हो जाएगा। हमने इलाज कराना शुरू किया तो दवाइयाँ महंगे महंगे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर का फीस कम से कम 1000, 1200, 1500, मुझे नहीं पता। मैं कि चलो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। फिर धीरे धीरे करके जब मुझे लगा कि अब कुछ ज़्यादा ही हो गया, फिर डायलिसिस पे आ गए। डायलिसिस पे आ गए तो 2000, 3000, 5000 ऐसे डायलिसिस में जाने लगा। ये दवाई लगाओ, वो दवाई लगाओ, 1700-1800 रुपए के एक इंजेक्शन लगाते थे। उसके बाद जी मसल्स के लिए ये दवाई लगाना ज़रूरी है जी, ब्लड बढ़ाने के लिए ये दवाई लगाना ज़रूरी है जी, आपको ये करना है। अच्छा, उसके बाद काम करने वाला मैं अकेला था, मैं ही काम करता था, घर चलता था मेरा, मैं ही पड़ गया। काम बंद हो गया, काम बंद हो गया तो सोर्स ऑफ इनकम ख़त्म। अब पत्नी निशा ने अपना धर्म निभाया और अपनी एक किडनी मौत की तरफ बढ़ते अपने पति को दे दी। कभी ये नहीं लगा कि मेहनत खाली भी जा सकती है, कभी ऐसा लगा? नहीं सर, मन में विश्वास था सर। रिस्क के लिए तो मैं इनको मतलब जितनी मर्जी और इनके कहते हैं कि इनका पैर धो के पियो, मुझे एक बार सोचना पड़ा कि हाँ मैं दे दूंगी तो मेरा क्या होगा। नहीं सर, मैंने 1% भी ऐसा डर की भावना या ऐसा कुछ भी नहीं आया सर। रात रात भर हालत ये होती थी, जब डायलिसिस का समय होता था तो सांस लेने में घर में दिक्कत होती, रात भर बालकोनी में बैठ के एक चेयर पे करके इनको बैठा के एक पे मैं बैठ के रात रात भर काटते थे सर। सांस लेने में घर में दिक्कत होती थी, बाहर बैठ के ऐसे रात रात भर, मैंने कब लगता था कि रात अच्छे से गुजर जाए, बस ये लगता था। फिर दूसरे दिन सवेरे डायलिसिस के लिए। पर चुनौतियों ने इस परिवार को अभी छोड़ा नहीं था। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद अवध किशोर को ताउम्र दवाइयां खानी थी और ये दवाइयां बेहद महंगी थी। परिवार की कमर टूट चुकी थी और फिर इस परिवार की आस बनकर आए ओंकार नाथ शर्मा। मैं दवाइयां नहीं मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ इंसानों की जिंदगी मांग रहा हूँ। मेरा नाम ओंकार नाथ शर्मा है, मेरी उम्र 80 साल की है और लोग मुझे मेडिसिन बाबा के नाम से जानते हैं। पब्लिक से मांग मांग के गरीबों के लिए दवाइयाँ इकट्ठी करता हूँ। अगर मेरे मांगने से किसी की जिंदगी बच रही है तो उसमें क्या परेशानी। दिल्ली इन्हें मेडिसिन बाबा के नाम से जानती है। ये हैं कौन, चलिए जानते हैं, एक दिन इनके साथ बिताते हैं। वैसे हमारे एक दोस्त थे चिब्बर जी करके हैं, उन्होंने बताया कि आप बाबा से मिलो। बाबा से मिले तो जितने इंजेक्शन हमारे लगते थे डायलिसिस में, चाहे वो 1800 की हो या 10000 की हो, जो भी हो, बाबा ने पहले बोल दिया था कि जिस दिन जाना हो मेरे से इंजेक्शन लेके आप जाओ, जो जो दवाइयां हैं आप मेरे को दे दो पर्ची, आप दवाई लेकर के मेरे से जाओ। मेडिसिन बाबा, जिनका सपना है कि वो उन लोगों के लिए मेडिसिन बैंक खोले जिनके पास दवाइयां खरीदने के पैसे तक नहीं होते। पर कहते हैं ना कि किसी भी बड़े काम के पीछे प्रेरणा भी बड़ी होती है। यहां भी कुछ ऐसा ही घटित हुआ था। 19 नवंबर 2008, जगह दिल्ली का लक्ष्मी नगर, वक्त सुबह 7:30। मेट्रो पुल के खंभों को बनाने का काम जोर शोर से चल रहा था। तभी अचानक क्रेन में तकनीकी गड़बड़ी होती है और देखते देखते पूरी मशीन नीचे आ गिरती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दुर्घटना में 2 लोग हलाक होते हैं जबकि तमाम घायल होते हैं। घायलों को पास के जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले जाया जाता है।
अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा थी जो इन घायलों के लिए कुछ करना चाहती थी। इसी भीड़ में शामिल थे 70 बरस के ओमकार नाथ शर्मा, जो एक निजी अस्पताल के ब्लड बैंक से रिटायर होने के बाद एक आम जीवन जी रहे थे। फिलहाल कई घायलों की हालत गंभीर थी और कईयों को तो दवाइयों के अभाव में प्रथम उपचार के बाद ही छोड़ दिया गया था। ओमकार नाथ को यह कड़वी सच्चाई कहीं अंदर तक साल गई। मन में कौन था कि राजधानी दिल्ली में ऐसे लाखों घर हैं जिनमें तमाम दवाइयां मौजूद हैं जो कि एक्सपायरी डेट के बाद कूड़ेदान में डाल दी जाती हैं, और यहां दवाइयों के अभाव में लोग दम तोड़ रहे हैं, खास तौर पर गरीब और असहाय। इस त्रासदी ने ओमकार नाथ के जीवन को बदल कर रख दिया और जन्म हुआ मेडिसिन बाबा का। जिनका एक सीधा लक्ष्य था गरीबों के लिए एक मेडिसिन बैंक बनाना, और नारा था बची दवाई दान में ना कि कूड़े दान में। मेडिसिन बाबा का एक ही सपना, गरीबों का मेडिसिन बैंक हो अपना। दवाइयां घरों में पड़ी हुई है और डस्टबिन में फेंके जा रही है। मैं दिल्ली की बात करता हूँ, लाखों का नहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपए की दवाई हर साल डस्टबिन में जा रही है। दिल्ली दिल्ली की बता रहा हूँ, और मैं कहता हूँ मीडिया बोल तो उस बात को बहुत साफ से कि दिल्ली के कहते हैं 1,40,00,000 की जनसंख्या है, जो बताते गवर्नमेंट आंकड़ा में देखें गिनने नहीं गया, उसमें से 50,00,000 को मैं भूल गया, फिर भी 90,00,000 बसते हैं। 90,00,000 में 40,00,000 घर तो होंगे, क्योंकि जो भी 40,00,000 तो हो गए टोटल, उसमें एक एक पत्ता अगर मुझे, और हर घर में एक पत्ता दवाई का पड़ा हुआ, आप अपने घर में देख लें, आप देख लें कोई ना कोई दवा पता, चाहे वो सर्दी का हो, जुकाम का हो, बुखार का हो, देसी हो, आयुर्वेदिक हो, किसी से, बाकी दवाई है आपके पास किस चीज़ के मुझे पता, वो अगर प्रॉपर चल रहा था मेरे पास आता, मेरा तो मेडिसिन बैंक बन गया, मुझे किसी की मदद कहाँ जरूरत पड़ रही है। वो जब वॉक जब करते हुए मेरे से जब मिले तो मैं बड़ा मैं सरप्राइज हुआ कि एक आदमी 70 साल की एज में आवाज़ देख के दवाई इकट्ठी करता है कि आप दवाई का दान करिए, जो दवाई जो हमारे पास जो बच जाती है वो दवाई हम फेंक देते हैं, काफ़ी दवाएँ एक्सपायर्ड हो जाती है। तो उस समय इनका जो कंट्रीब्यूशन, हमने मिल के एक राहत ही राहत एक बैंक बनाई, उसमें हमने कुछ बॉक्सेस, बड़े बड़े बॉक्स कहीं से हमने इकट्ठे किए, करीब 25-30 जगह बॉक्स रखवाए, उसके ऊपर ये लिखा गया कि जो दवाएं हैं दवाइयों का आप दान करिए, और जो दवाएं जो बच जाती है एक्सेस वो दवाएं उसमें डालिए। ये तो संघर्ष की शुरुआत थी। उदयपुर राजस्थान में जन्मे ओंकार नाथ 85% विकलांग है। बचपन में हुए एक कार एक्सीडेंट में इनके दोनों पैर खराब हो गए थे। जीवन की शुरुआत ही शारीरिक अभाव से हुई, पर स्वाद और विवाद से परहेज करते हुए इन्होंने अपना सफर जारी रखा, और आज से करीब 11 बरस पहले एक ऐसा संकल्प लिया जो बेमिसाल है। मेडिसिन बाबा यानी ओंकार नाथ जी के परिवार में इनकी पत्नी, एक विकलांग बेटा और बहू शामिल है। ताउम्र ईमानदारी से जीने वाले इस शख्स के जीवन में धनाभाव हमेशा रहा। इनके रिटायरमेंट के बाद ऐसा कई बार हुआ कि घर में रोज के खाने के पैसे भी नहीं थे, पर सेवा भाव को इन्होंने हमेशा सर्वोपरि रखा। शुरू शुरू में तो परिवार भी खफा था, ओंकार नाथ अकेले कमाने वाले थे। रिटायरमेंट के बाद कुल 2,000 रुपए की माहवारी पेंशन, गरीबी की मार, सामान की किल्लत, रोजमर्रे के खर्चों की चिंता, पर आज हालात बदल रहे हैं। काम में इतनी इज्जत मिली है ना, शायद हमारी इज्जत नहीं थी और ना ही बन पाती, कि इतनी इज्जत वाले इंसान जिंदगी मांगना बहुत आसान देता भगवान।
कि नहीं देता। और मैं यही कहती भगवान मुझे जैसे मेरे पापा आज मिले मेरे को आगे भी यही पापा मिले और मेरे को यही इन्हीं के साथ जिंदगी दे। मन बदला तो चोला भी बदला। बाबा ने नारंगी कुर्ता पैजामा पहनना शुरू कर दिया। देखिए इस कुर्ते को जो बताता है इनका मिशन। इस पर इनका फोन नंबर भी लिखा है, यानी आपको दवाइयां या चिकित्सा से जुड़े उपकरण वगैरह दान करने हैं तो फला नंबर पर इन्हें फोन करें। ओमकारनाथ या मेडिसिन बाबा दिल्ली के उत्तम नगर के मंगलापुरी इलाके के एक छोटे से घर में रहते हैं। इस घर में एक कमरा दान में मिली दवाइयों से भरा है। यहां सारे देश से आई दवाइयों को सहेजा जाता है। ये वॉलंटियर्स काम लायक दवाइयों को संभाल कर रखते हैं। कीमती दवाइयों को इस फ्रिज में रखा जाता है। इस घर में एसी और फ्रिज दोनों ही दान में मिले हैं। इस कमरे में सारी दवाइयों के रिकॉर्ड्स इन फाइल्स में रहते हैं, जैसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी, तादाद और इन्हें कब इकट्ठा किया गया। फिलहाल यहाँ कोई भी अपने डॉक्टर के पर्चे के साथ आकर दवाइयाँ ले सकता है। इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत लोग हैं ऐसे जो बहुत तंग हाल हैं और परेशान हैं, मेडिसिन नहीं खरीद पाते, बड़ी बड़ी महंगी हैं मेडिसिन। और बाबा जो कर रहे हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। गली में से निकले थे, हमने बोर्ड पढ़ा था ये, फिर हमने देखा था यहाँ दवा मिलती है, फिर आए थे, हमको परेशानी हुई थी, दवा लेने आए, फिर हम यहाँ से फायदा हुआ था, मेरे को लेने आए थे। जानकार कहते हैं कि भावना कितनी ही प्रबल या ऊर्जावान क्यों ना हो, उसे जनमानस तक पहुंचाने के लिए मूर्त रूप देना ही पड़ता है और यही व्यवस्था की भूमिका प्रबल होती है। मेडिसिन बाबा ट्रस्ट के सचिन गांधी बताते हैं कि यहाँ कैसे चुनौतियों और लक्ष्यों को साधा जाता है। तो ये तीन जरिए हैं, फार्मा कंपनी सपोर्ट करती हैं, कोरियर के थ्रू आती हैं, पिकअप होता है जो हमारा, और जो हमारे बॉक्सेस लगे हुए हैं उनके थ्रू मेडिसिन आती हैं। जिन लोगों को पता चल जाता है जहाँ हमारा सेंटर है, या हम कुछ पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं कि यहाँ पर दवाइयाँ उपलब्ध हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं आपको, बट प्रिस्क्रिप्शन लेकर आना होगा। ऐसा नहीं है बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप आ जाएं। जितनी मार्केटिंग देने के लिए हम लोग कर सकते हैं या कुछ मीडिया अवेयरनेस हो जाती है तो वही अभी एक हमारे पास सोर्स है। इनफैक्ट अगर आज मैं बात करूँ तो पढ़ा लिखा तबका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे या यूट्यूब पे हम लोगों को देख लेता है और दवाइयाँ भेज देता है, लेकिन लेने वाली वो जो जनरेशन है, जो लेबर क्लास लोग हैं, उन तक अभी कहीं ना कहीं मैसेज उस लेवल का पहुँचाने में हम थोड़ा सा भी नाकामी हैं। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को हम अवेयर करें, छोटे छोटे से सेंटर्स बनाएं, कलेक्शन पॉइंट बनाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लेबर क्लास आदमी है, जो 300-400 रुपए दिहाड़ी पे काम करता है, वो हम तक पहुंच सके, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है ये मेडिसिन। पर जान लीजिए कि ये राह आसान नहीं। मेडिसिन बाबा को बाजारों में, घरों में, चौराहों में, तमाम जगह अपमान और ताड़ना झेलनी पड़ी, तमाम अपशब्द और लांछन भी लगे। स्वाभाविक है किसी का विश्वास जीतना आसान कब रहा है, खास तौर पर तब जब पहल नई हो, अनूठी हो और उसका जन जन से सरोकार हो। आज मेडिसिन बाबा को समाज की जड़ मानसिकता से जूझना ही पड़ता है। ये कार्ड जरूर मैं आपके लिए नहीं है, कोई भी गरीब असहाय मजबूर आदमी ने बात सुन लीजिए, उसको देखने सुन, अगर 5-10 हज़ार की दवाई नहीं खरीद सकता मंथली,
तो ये मेरा एड्रेस है, डॉक्टर का पर्चा लेके इस वक्त पर आ जाइए, सब मुफ्त में मिलेगी। चलिए, हम आपसे ये नहीं मांग रहे कि हम हमें पैसे भी नहीं मांग रहे, हमारा क्या लक्ष्य है, बच्ची दवाइयाँ दान में नहीं कि कूड़े दान में। मेडिसिन बाबा का एक ही सपना, गरीबों के लिए मेडिसिन बैंक हो अपना। ऐसी बहसें तो चलती रहेंगी। मेडिसिन बाबा अब चल पड़े हैं सेक्टर 120 नोएडा की तरफ, जहां एक परिवार इन्हें कुछ मेडिकल उपकरण देना चाहता है। ये देखने वाली बात है कि विपरीत शारीरिक परिस्थितियों में भी मेडिसिन बाबा जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए, दानकर्ता तक पहुंचने के लिए, यहां तक बिस्तर लगे मरीजों तक दवाइयां पहुंचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। इनके पास कोई और विकल्प नहीं। मेडिसिन बाबा .in गूगल मेडिसिन बाबा ऑर्गेनाइजेशन, ये रखिए, आपको जरूरत है बस ठीक है साथ में मेडिसिन बाबा .in मेडिसिन बाबा ऑर्गेनाइजेशन, अभी आपके फ़ोन में देखेंगे बहुत कुछ जान, दुनिया भारत की नहीं मिलेगी, दुनिया की जानकारी मिलेगी भी। ये है अमित गुप्ता और पिता की मृत्यु के बाद ये घर में रह गए चिकित्सा उपकरण मेडिसिन बाबा को दे रहे हैं। ये भी आ जाएगा बैंडेज डाल दीजिए इसमें। हाँ आ जाए तो डाल दीजिए सामने इसको, हाँ डाल दीजिए आ गया, ये भी आ जाएगा। हाँ ठीक है। पर क्या ये अच्छा नहीं होता अगर ये सारी वस्तुएं दानकर्ता खुद ठिकाने तक पहुंचाए? इस छोटी सी पहल से ना सिर्फ मेडिसिन बाबा का श्रम और वक्त बचता, बल्कि आम आदमी के हित में चल रहे इस प्रकल्प बनाई जा रही दवाओं दो बार डायलिसिस से गुजरना पड़ता है। दवाइयों की कीमत जोड़कर इस परिवार पर हर महीने तकरीबन 11,000 रुपए का खर्च आता है। इसकी अदायगी मेडिसिन बाबा करते हैं, जिनका अपना खुद का घर डोनेशन से चलता है। इंजेक्शन लगाए कितना लगता है डायलिसिस में, इंजेक्शन कितना लगवा रहे हो बोला आपसे?
19 तक की है, इसे मैंने लगा रहा है। ये पेट साफ करने के लिए है जो ना, और ये कागज आप जब भी जाते हो कागज बंद क्यों नहीं करवाते हो वहाँ से? वहाँ पे काम करने वालों ने दिया ना, देखते लोग कहीं कभी गलत तो नहीं दे दिया? तो सोचना पड़ता, काम हम करते जरूर हैं। फिलहाल राहुल को जल्द किडनी ट्रांसप्लांट की दरकार है। बाबा उसकी पत्नी प्रीति से आगे बढ़ने का आग्रह करते हैं। प्रीति तैयार है। आपको कोई परेशानी होती है भाई आने जाने के लिए, आप ये बड़े चावल फ्रिज में डाल दो, 4-4 हज़ार में चल जाएगा। क्यों इनको प्यास बहुत लगती है, कहते हैं रिश्ते में रहते हैं तो प्यास बहुत लगती है, मना करते हैं। जितना पानी कम पिएंगे उतना उसके लिए फायदेमंद है। अब सर्जरी के पैसे जोड़ना इनके लिए अगली चुनौती है। आधा दिन बीत चुका है। राहुल से मिलने के बाद मेडिसिन बाबा बाजार में निकल पड़ते हैं। लोगों में एक अच्छा ये मेरा कार्ड है, कोई भी गरीब असहाय अगर आपको मिलता है और जरूरत तो आपकी आत्मा ये कहती है यार इसकी मदद करनी चाहिए, सही किया सर, सेवा करने को भगवान का चाहिए। एक आठ से और मैं कांटेक्ट करूंगा फिर चला जाऊं। विडंबना ही है कि 84 बरस के ये युवा जहां घूम घूम कर सेवा की अलग जगा रहे हैं, उसी बाजार में हमने पाया कि तथाकथित युवा कैसे अनर्गल कामों में वक्त जाया कर रहा था। हमारा अगला पड़ाव था केंद्रीय सरकार की एक सरकारी कॉलोनी जहां बाबा दवाइयों की भिक्षा मांगने गए। मेडिसिन बाबा ने हमसे एक दिलचस्प तथ्य साझा किया। अपने भ्रमण के दौरान बाबा का सभी से मिलना होता है। इनके मुताबिक इस मिशन में इनकी मदद के लिए मध्यम वर्गीय या फिर गरीब तबके के लोग ज्यादा आगे आते हैं। शाम हो चली है और हमारी अगली मंजिल है निगम बोध घाट, यानी सनातन के स्वावलंबियों की जीवन यात्रा का अंतिम पड़ाव। मेडिसिन बाबा और इनके साथियों ने यहाँ कई जगह बक्से रखे हुए हैं जिनमें कोई भी दवाइयाँ डाल सकता है, बशर्ते दवाइयाँ एक्सपायरी डेट पार ना की हों, दवाइयाँ खोली ना गई हों। सुमन जी ने टाइम दिया था 1 से 1.5 बजे, मगर 14 तारीख के बाद मिलने का मन था। उस काम को बहुत बढ़ाना जाना चाहिए और जितनी है इस उम्र में सेवा कर रहे हैं, हम तो सिर्फ यहीं पे इकट्ठी करके लोगों को कन्वेंस कर रहे हैं, ये तो जा जा के घर तक पहुँचाते हैं। यहाँ भी कुछ बक्से हैं। हमारी कैमरा टीम स्थानीय मैनेजर के साथ यहाँ रखे कुछ बक्से खोलती है। चिताओं से उठते धुएं और उदास संबंधियों के बीच से गुजरते हुए मेडिसिन बाबा इन्हीं बक्सों में कुछ बीमार लोगों के लिए जीवन की आस ढूंढते हैं। Oh.
आज भले ही खुद के जीवन की शाम हो चली हो, पर तमाम बुझते चरागों को संजीवनी दे रही हैं मेडिसिन बाबा। कवि अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरियोत की ये पंक्तियां दूर तक छाए अंधेरे को पोंछ डालती हैं, कम में आपसे बहुत कुछ कहती हैं। जो मिठाई में सुधा से है अधिक, खा सके वो रस भरा मेवा नहीं, तो भला जग में जिए तो क्या जिए, की गई जो जात की सेवा नहीं। हो ना जिसमें जाति हित का रंग कुछ, बात वो जी में ठनी तो क्या ठनी। हो सकी जब देश की सेवा नहीं, तब भला हमसे बनी तो क्या बनी। बेकसों की बेकसी को देखकर जो नहीं अपने सुखों को खो सके, तब चले तो क्या लोग सेवा के लिए, जब ना सेवा पर निछावर हो सके। और इस तरह मेडिसिन बाबा के संग हमारी सुबह शाम में तब्दील हुई। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, उस पर अपनी प्रतिक्रिया, अपना रिप्लाई, अपना रिएक्शन sevaparmodharma@gmail.com पर दें। और साथ ही अगर आपके पास ऐसी कोई कहानी हो तो भी इस ईमेल एड्रेस पर हमको लिखें, हम उस पर जरूर काम करेंगे।